कोरोना काल में बकरीद पर केरल में पाबंदियों में छूट के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केरल में कोरोना संक्रमण के क्या है हालात और ब्रिटेन में महामारी का एक और नया वेरिएंट जिसने मुश्किलें बढ़ा दी, देखते हैं टॉप 9 महामारी। कोरोना संक्रमण के बीच केरल में बकरीद को लेकर राज्य सरकार की ओर से पाबंदियों में दी जाने वाली छूट के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईएमए ने राज्य सरकार को रियायत पर चेताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। देश भर में कल बकरीद मनाई जाएगी। केरल में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले दो दिनों की तुलना में सोमवार को मामूली सुधार देखने को मिला। सोमवार को राज्य में 9,931 नए केस सामने आए, जबकि 58 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को 16,000 से ज्यादा और रविवार को करीब 14,000 केस मिले थे। राज्य में संक्रमण के हालात चिंताजनक होने पर भी बकरीद के मौके पर छूट के ऐलान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए असम सरकार ने बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। मस्जिदों में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को नमाज की इजाजत नहीं होगी। लोगों से बकरीद पर भीड़ लगाने से बचने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मस्जिदों में 50% क्षमता के साथ ही नमाज की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए उनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार के अकाउंट में 16,40,000 रुपए ट्रांसफर किए। एमपी सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए 5,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। शिवराज ने कहा हर जिले में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए पालक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। कोरोना काल में रिटेल सेक्टर में बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे में कहा है कि जून में खुदरा बिक्री साल 2019 की तुलना में इस साल 50% गिरी है। स्पोर्ट्स गुड्स कैटेगरी में सबसे अधिक 66% कमजोरी दर्ज की गई है, जबकि फूड और ग्रोसरी बिजनेस में सबसे कम 7% की कमजोरी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में आज से कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कोविड की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दुकानें हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलेंगी। कोरोना की 5वीं लहर के बीच स्पेन की आधी आबादी का टीकाकरण हो जाने का दावा किया गया है। आधी आबादी को कोरोना का टीका लग जाने से अधिकारी उत्साहित हैं। स्पेन की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। कल भी 20,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। कनाडा की सरकार ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त से कोरोना की दोनों डोज लेने वाले अमेरिकी नागरिकों को उनके देश में आने की इजाज़त होगी, जबकि 7 सितंबर से टीके की दोनों डोज लेने वाले बाकी देशों के नागरिकों को कनाडा में एंट्री दी जाएगी। संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए कनाडा ने दूसरे देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा रखी थी। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक और नए वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 5 हफ्तों में नोरो वायरस के 154 से ज्यादा केस मिले हैं। नोरो वायरस की वजह से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। ब्रिटेन में कल कोरोना के करीब 40,000 नए केस मिले हैं। इस बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।